सेम प्रेप, गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून वेलकम विनोद, बिंदुसरी सुथार मोनी। जितने भी लर्नर्स हैं, प्लीज जल्दी से बता दो इज एवरी ओके वेलकम जैसमिन वेलकम विनोद बिंदुसरी मोनी, ब्रजपाल वर्षा जितने भी लर्नर्स आ गए हैं प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द कॉमेंट सेक्शन और जल्दी से मुझे बता दीजिए इज ऑल ओके वेलकम वेलकम वर्षा वेलकम। यू ऑल कैन सी स्टूडेंट्स आज जो सैटरडे का हमारा सेशन होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान स्टेट और एमपी स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स पहले हो चुके हैं उनके पीवाई की उसको सॉल्व करते हैं राइट तो RPSC और एम पी पी एस सी जो पिछले पी वाई क्यूज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वो क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं और आज इसका हमारा part 15th आ गया है है ठीक सभी लर्नर्स अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव तो जितने आ गए हैं जल्दी से सबसे पहले अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दो राइट right? और फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं सभी लर्नर्स को एक बार मैं वापस से ये चीज़ रिमाइंड करा दूँ स्टूडेंट्स अभी जो क्लासेस एट प्रेजेंट हो रही हैं वो एवरी ट्यूसडे एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे मेरा वाईटी पे सेशन होता है एज यू यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टाइम टेबल दिया हुआ है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरी क्लासेस रहेंगी और वो कितने बजे रहती हैं थ्री पी पे एप्लीकेशन पे जो मेरी क्लास होती है वो वेडनेसडे और फ्राइडे रहती है अगेन उसका टाइम थ्री पी एम रहता है राइट वेलकम सोनीपाल वेलकम तो सभी लर्नर्स इस टाइम के अकॉर्डिंग 3 पीएम मेरे साथ लाइव आप लोग जुड़ सकते हो वाई पे आप लोगों ने जिस अभी चैनल के थ्रू आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप तक सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे और इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो आपको जस्ट इस क्यू कोड को स्टूडेंट स्कैन करना है स्कैन करते ही आपकी बायजूस एग्जाम की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और वहां पर आप हमारे फ्री सेशन देख सकते हैं ठीक है वेलकम प्रियंका वेलकम सभी लर्नर्स अगर आ गए हैं तो हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं राइट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एवरी वन रेडी सभी लर्नर्स मुझे यहां पे बता दें कि अगर वो रेडी हैं तो हम वेलकम अलमा कुरेशी तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं ठीक है सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा मोस्टली आज वाला जो एक तरह से आपका क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है ना पेपर तो आज ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसमें आप देखोगे ऑर्गेनिक के मैंने पहले भी कई बार बात कही है नए लर्नर्स को आज फिर से कहती हूँ ये वाले सेशंस अटेंड करने का बेनिफिट आपको सी एस आई एंड नेट में भी बहुत होगा क्योंकि ये वो सेशंस हैं जहाँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो सीरीज है अगर आप सी एस आई नेट भी दे रहे हैं तो उसका ईच एंड एवरी सेशन आप जरूर देखिएगा ठीक है जय श्री कृष्णा आशुतोष काफी टाइम बाद लाइव आए हो वेलकम इलमा कुरेशी मार्कंडे जयसवाल वेलकम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून चलिए मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स आ चुके हैं अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को ठीक है एवरी वन रेडी चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन पे जो आपके सामने है एप्सोल्यूट ए सिमेट्रिक सिंथेसिस कैन बी कैरिड आउट विथ एप्सोल्यूट ए सिमेट्रिक सिंथेसिस की बात कर रहे हैं उसको हाँ जी कैसे कैरी आउट कर सकते हैं सर्कुलरी पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड लीवर रोटेटरी कंपाउंड की प्रेजेंस में या ऑप्टिकली इनेक्टिव केमिकल रिएजेंट की प्रेजेंस में रेडी 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 लेट्स गो स्टार्ट चलो स्टार्ट कर दिया माकंडे जयसवाल जिया वेलकम कोई भी स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहे धनश्री ने सबसे पहले मुझे आंसर दिया है ओके प्रिया तिपांशु पाठक मार्कंडे जायसवाल सोनीपाल प्रीति ए राइट बिल्कुल लर्नर्स इसका फर्स्ट राइट आंसर है ठीक है फर्स्ट इज द राइट आंसर अगर मारुति एनवे सबका ए है बिल्कुल सही है हमेशा ध्यान रखना हमने ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी कि सपोज आप किसी एक कायरल सब्सटेंस से कायरल मॉलिक्यूल को जनरेट कर रहे हो किसी एक तरह से कायरल रिएजेंट की प्रेजेंस में ठीक है वो एक नॉर्मल प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है मगर यहाँ पे क्या करते हैं हम सर्कुलरली जो पोलराइज्ड लाइट होते हैं ना सी पी एल जो होती है इसको हम यूज करते हैं इस प्रोसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ कारिटी इससे क्या इंड्यूस किया जाता है carality को फॉर द इंडक्शन ऑफ कारिटी तो इस प्रोसेस के लिए आप सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को यूज करते हो यस yes. जैसमिन सेकेंड सेकेंड नहीं होगा ठीक है ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट यूज ही नहीं करना यही खास बात है एप्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर क्या होगा कि हम ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट को यूज नहीं कर रहे बट सीपीएल को यूज करके कायलिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है ये प्रोसेस होता है राइट तो ये एप्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस का प्रोसेस होता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब एसिमेट्रिक सेंटर यानी कि कहीं का आ रही है अब वो कारिटी किसके कारण आ रही है वो दोनों में अलग अलग होता है ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट वुड बी द राइट चॉइस चलिए सेकेंड द डायब्रोमाइड प्रोडक्ट ऑप्टेन्ड ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द ट्रांस टू ब्यूटीन एंड ब्यूटीन रिस्पेक्टिवली आपके सामने यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है डायब्रोमाइड प्रोडक्ट बनाना है यानी कि आपको ब्रोमीन का एडिशन करना है किस पे करना है एक तो आप करा रहे हो ट्रांस ब्यूटीन पे और एक आप करा रहे हो सिस ब्यूटीन पे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा दीपांशु का आंसर आ गया है ओके अब देखो हमेशा मैंने आपको यहाँ पे मैथ्स वाला रूल एक बार बताया हुआ है ठीक है थ्री 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 फोर भी आया है थ्री भी आया है ठीक है अब यहाँ पे एक बार आपने ट्रांस लिया और एक बार आपने सिस लिया ब्रोमीन का एडिशन हमेशा ट्रांस होता है राइट तो ब्रोमीन के एडिशन के लिए आप क्या लगाओगे माइनस पहला रिएक्टेंट मैंने ट्रांस ब्यूटीन लिया है तो ट्रांस के लिए मैं क्या लगाऊंगी माइनस माइनस और माइनस हमेशा क्या बनाते हैं प्लस प्लस का मतलब मीजो क्लियर ठीक है सेकेंड वाला ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा ब्रोमीन का ही एडिशन करा रही हूं तो माइनस ही लगाऊंगी अब की बार रिएक्टेंट मेरा सिस है सिस के लिए मैं क्या लगाऊंगी प्लस प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं माइनस माइनस का मतलब ठीक है हाँ जी बिल्कुल ये ट्रिक याद रखनी है आप लोगों को हमेशा तो मीजो बनेगा पहले वाले केस में रेसिमिक बनेगा दूसरे वाले केस में तो इट मींस थर्ड वुड बी द राइट चॉइस वेलकम अंकित वेलकम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी डाउट है क्लियर है सबको आई थिंक के प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखना माइनस माइनस बराबर प्लस होता है प्लस माइनस बराबर माइनस होता है माइनस प्लस बराबर माइनस होता है और प्लस और प्लस तो प्लस रहेगा ही ठीक है हाँ जी ये वाला नियम सब जने याद रखेंगे चलिए सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है ठीक है ऐसे ही किया है ठीक है चलिए बढ़िया अगर उसकी एच टू पीडी बी से रिएक्शन कराएं या सोडियम और अमोनिया से कराएं तो दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट कैसे बनेंगे मतलब एल्काइन का रिडक्शन एल्कीन में है आप क्या करा रहे हो दोनों ही रिएजेंट से एल्काइन को यू आर कन्वर्टिंग इन टू एल्कीन रिएजेंट्स अलग हैं दोनों ही केस में क्या बनेगा ट्रांस कब बनता है, है? दीपांशु का आंसर आ गया है ओके दीपांशु जिया प्रिया मोनी प्रीति प्रधान्या सोनीपाल ब्रजपाल हाँ जी एनवे सबका आंसर थ्री आ गया है आयुषी बिंदुसरी प्रियंका मारकंडे जावाल वेरी गुड लर्नर्स ठीक है सबका आंसर सही है यदि हम एच टू को रिएक्ट करते हैं पी डी बी एस ओ फोर की प्रेजेंस में लेते हैं तो सिस हाइड्रोजनेशन होता है एल्कीन का हाँ जी बनता है और अगर हम ट्रांस कैसे बनाएंगे यदि हमने सोडियम अमोनिया की प्रेजेंस में करा दिया ठीक है वेलकम 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 नित्या कल्याणी अब देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको बुक का यहाँ पे मैटर भी दिया हुआ है कि यदि आप यहाँ पर पी थ्री लेते हो पैलेडियम को सी थ्री के साथ लेते हो जो कि यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट है तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ राइट अब ये बिल्कुल सेम सिलेक्टिविटी ये यहाँ पर पी के साथ यदि आप बीएसओ फोर भी ले लोगे तब भी आपको यही कंडीशन मिलेगी तो यहाँ पे पीडी सी ए सीओ थ्री का दिया हुआ है कि से बना है, और ये आगे तक कन्वर्ट नहीं होता और यहाँ पे आप देख सकते हो सिस फॉर्म बना है ठीक है तो यहाँ पे सिस फॉर्म बनेगा यदि आप पीडी के साथ बी ले लोगे और ट्रांसफॉर्म बनेगा अगर सोडियम अमोनिया ले, ले लेंगे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट 43 का थर्ड वुड बी द राइट आंसर ठीक है चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सिस 13 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ट्रांस 13 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन एग्जिस्ट रेस्पेक्टिवली एज़ अब ये स्टीरियो का आ गया वेलकम आयुषीत अवर आपके पास दो फॉर्म्स हैं 13 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन तो है एक उसका सिस फॉर्म लिया है एक उसका ट्रांसफॉर्म लिया है दोनों के आपको फॉर्म्स पूछे गए हैं कि कैसे होंगे देखो इसको थोड़ा सा बेटर रहेगा अगर आप लोग इसको इस तरह से बना लेंगे साइक्लोपेंटेन ना सेकंड आंसर आ रहा है सबका अंकित एनवे दीपांशु का सेकंड आया ठीक है ना सिस है तो देखो आपके पास ये सी एच थ्री ग्रुप ये थ्री यहाँ पे एच यहाँ पे एच राइट क्लियर है तो आपके पास यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्रेजेंट हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई यहाँ पे तो राइट इंटरनल कॉम्पनसेशन हो गया तो ये वाली कंडीशन सेकेंड ही आ रहा है ना सबका सेकेंड ही है तो ये फॉर्म तो मीजो का आ गया ना जैसे अपन मीजोटाट्रिक एसिड में निकालते हैं ठीक है और अगर ये वाली फॉर्म है हमारे पास ट्रांस यानी कि एक मिथाइल ग्रुप ऊपर एक मिथाइल ग्रुप नीचे तो सपोज ये मिथाइल ऊपर है ये मिथाइल नीचे है ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए अब ऐसे इसका यहाँ पे दूसरा एनशियोमरिक फॉर्म क्या बन जाएगा आपके पास ये कंडीशन ये एच इधर ये सी एच थ्री इधर ये सी एच थ्री इधर और ये एच इधर तो ये दोनों किस फॉर्म में हो जाएंगे नॉन सुपर मिरर इमेज आइसोमर ये एक फॉर्म में आ जाएगा ठीक है तो पहला मीजो दूसरा पेयर ऑफ एन एंश्योमर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर बी होगा सभी लर्नर्स को क्लियर है बी है चलिए द मोस्ट स्टेबल कार्बनइन अमंग द फॉलोइंग इज आपके सामने फोर डिफरेंट कार्बन आइन कार्बन आइन क्या होता है कार्बन जब तीन बॉन्ड बनाए और एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो यहां पर कार्बन आइन बनता है ये कार्बन आइन कब स्टेबलाइज होगा वॉट विल बी द स्टेबल कंडीशन ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि कार्बन को हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है ठीक है तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में तो कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया यानी कि माइनस आई माइनस एम इफेक्ट लगता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इट मीन्स ये वाला सबसे ज्यादा कार्बन को स्टेबिलाईज करेगा ठीक है तो बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से सिस्टेबिलाई होता है एनायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से सिस्टेबलाइज होता है क्लियर बिल्कुल अब वैसा ही एक और क्वेश्चन है कि कार्बो कैटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो अगेन कैटायन को स्टेबिलाईज कौन करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अब आप देख लीजिए किसमें डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है एनओ टू में माइनस आई माइनस एम दोनों लगते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हाँ जी बताइए इलेक्ट्रॉन देने वाला ओ सी थ्री ग्रुप हो गया ना प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे देगा राइट right? तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो गया तो फोर्थ वुड बी द राइट आंसर केटाइन को स्टेबिलाईज कौन करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्लियर है चलिए नेक्स्ट राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी एच बॉन्ड वीकनेस इन द फॉलोइंग एल्केन्स अब आपके सामने चार डिफरेंट दिए हुए हैं अगर आर की वैल्यू को मिथाइल माने राइट तो अब ये कहा गया कि CH है कि सी एच बॉन्ड की वीकनेस का ऑर्डर क्या रहेगा मतलब कहां पर सीएच बॉन्ड इजिली टूट रहा है सेवन का मुझे करेक्ट आंसर कौन देगा प्रीति का आया सोनीपाल का आया दीपांशु का अंकित का दीपांशु प्रधान्या का सही है बाकी जिया का भी सही है बाकी सबका इसमें कॉन्सेप्ट उल्टा लग गया दीपांशु सही था, फर्स्ट सही है मत हटाओ मैसेज फर्स्ट फर्स्ट सही है सही है, हाँ जी डॉली का भी सही है एल्मा कुरेशी का भी सही है डी नहीं होगा फर्स्ट ही है। होमोलाइटिक लिवेज है सिंपल जैसे अपने पास ये एलकेन की कंडीशन है होमोलाइटिक लिवेज हुआ आर का रेडिकल और एच रेडिकल बना अब आपको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है ना नहीं रेडिकल फॉर्मेशन हुआ ना एल्केन में ठीक है रेडिकल फॉर्मेशन हुआ तो अब आपके पास सेम हाँ जी ये आपके पास ये बनेगा r r r ये फर्स्ट रेडिकल बना ठीक है तो ये टर्शियरी हो गया यहाँ पे मैक्सिमम अल्फा h मिलेंगे आपको उसके बाद आपके पास ये एक r ये दो r ये h ये सेकंड नंबर पे फिर कार्बन पे एक r इधर भी h इधर भी h ये रेडिकल देन कम्स कार्बन पे h h h मिथाइल रेडिकल ठीक है तो एल हाँ मोस्ट स्टेबल रेडिकल देखना है मोस्ट स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन करना है ठीक है होमोलाइटिक रेडिकल फॉर्मेशन थ्री डिग्री हां जी जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्लियर तो फर्स्ट वुड बी द राइट चॉइस फर्स्ट इसकी राइट right चॉइस होगी अच्छा क्वेश्चन है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है या नहीं जिसको कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसीलिए हर बार मैं कहती हूं ना कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि जो आपको लगेगा कि हाँ इससे हमारे बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग हुए ठीक है जल्दी में भूल जाते हैं जल्दी नहीं करनी आराम आराम से करो ठीक है कॉन्जुकेट बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल कॉन्जुकेट बेस जो होता है ऑफ द कंपाउंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालोगे एच प्लस आयन निकालने के बाद यानी कि एनायन बन जाए अब उसकी स्टेबिलिटी देखनी है एनायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाईज करेगा अगेन बेसिक में फिर गड़बड़ की है आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आना चाहिए स्टूडेंट्स तो सेकेंड वाले में देखो ना एच प्लस निकलने के बाद सी एच टू पे चार्ज आ गया Negative. उसके साथ जुड़ा हुआ है एनओ टू राइट सी एच थ्री की क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की क्या जरूरत है सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लीजिए ना जो स्टेबिलाईज करेगा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड सिर्फ NO2 का माइनस आई माइनस एम इफेक्ट इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है तो सेकेंड इसका राइट right आंसर होगा ये सी एच थ्री जो प्लस वाले ग्रुप है, प्लस आई वाले इनकी नीड नहीं है ये डिस्टेबिलाईज कर देंगे स्टेबिलाईजेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से मिलेगा अगेन कॉन्सेप्ट में फिर से करी गड़बड़ ठीक है इस क्वेश्चन पे इसका मतलब एक लाइक like तो बनता है अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं तो जल्दी से जितने लर्नर्स अभी देख रहे हैं फटाफट से सेशन को लाइक like कर दो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल आपके सामने चार डिफरेंट हैं किसके अंदर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है हाइपर कंजुगेशन वहीं पर होगा जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा ठीक है इतना हिंट मैंने दे दिया है अब अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर प्रेजेंट है सिग्मा पाई कंजुगेशन वो आप देखिए किसमें है अल्फा हाइड्रोजन जल्दी से बताइए फर्स्ट में कैसे हो सकता है जिसने ये सी सी डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सेकेंड वाले में अल्फा कार्बन ही नहीं है थर्ड वाले में भी एल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है फोर्थ वाले में है कि सी सी डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन ये आपको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी दे सकता है राइट तो ये हाइड्रोजन होना जरूरी है तो ये आपको किसमें मिलेगा फोर्थ में सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाते हैं ठीक है? तो अब कौन सी ऐसी reactions हैं, जिनमें कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट के रूप में बनता है कौन सी ऐसी रिएक्शन है इवन रिएक्शन यानी कि एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर एस एन वन सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिल एडिशन रियक्शन सभी रिएक्शन आई थिंक आप लोगों को सिंपल सा मैकेगा कि सभी में बनता है एस एन वन के अंदर भी अगर सबको ध्यान होगा आर एक्स है वो टूटता है आर प्लस और एक्स माइनस में है ना ऐसे अगर अपन कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को एड करते हैं तो सपोज ये सी सी डबल बॉन्ड है आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ गई तो एक तरह से सी सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और एक तरफ क्या रह गया पॉजिटिव चार्ज इस पे में कौन आता है न्यूक्लियोफाइल ठीक है ऐसे ही ईवन के अंदर भी फर्स्ट स्टेप में जाके फिर केटाइन का फॉर्मेशन होता है तो इट मीन्स ये सारी रिएक्शन है जिनके अंदर आपके कार्बो केटाइन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ठीक है सभी में यही होता है किसी को कोई डाउट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हां जी इसका आंसर फोर्थ आएगा ठीक है चलिए सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी एच थ्री इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने एन बी एस से कराई कोई कंपाउंड बना ए उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक से कराई तो कंपाउंड बन गया बी अब आपको बताना है कि ए और बी क्या है कोई बात नहीं आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो गलतियों से सीखना ही है राइट हाँ जी न्यू वीडियो चैनल आज लेट कैसे झेलू का आंसर आया है सी कैसे सी सिक्स एच फाइव ये आपके पास रिंग दी हुई है राइट इसके सी एच टू दे दिया हुआ है क्लियर अब आपको पता है एनबीएस और ब्रोमिनेशन करता है तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी right? सी सिक्स कार्बन पर सी एच पी तो आएगा यहाँ पे बी आर जाएगा देन कम्स सी एच थ्री अब एल्कोहोलिक के ओ एच क्या करता है डीहाइड्रोहलोजनेशन कराएगा तो यहाँ का बी आर यहाँ का एच करके आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आएगा ठीक है ch डबल बॉट ch2 तो फोर्थ फोर्थ वुड बी द राइट आंसर ठीक है एल्मग्रेशी ए नहीं हो सकता यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड आएगा ना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ इसका बीयर इसका h फोर्थ वुड बी द राइट आंसर ठीक है क्लियर हो गया सबको किसी को कोई डाउट तो नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द मेजर प्रोडक्ट इज नॉट ए री प्रोडक्ट बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वेलकम प्रीति वेलकम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनता हाँ हो सकता है वो इतनी क्लैरिटी कई बार नहीं आती तो आपको क्लियरली शो नहीं

ऐसे बनती है साइक्लिक कंडीशन में बनती है तो साइक्लिक कंडीशन में होने के कारण साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है ना इसीलिए इसके अंदर यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता मतलब वन डिग्री वाला टू डिग्री में या वन से थ्री डिग्री वो जो अपन कहते हैं ना हायर स्टेबिलिटी की तरफ रीअरेंज हो जाए कैटाइन वो यहाँ पे नहीं होता मैकेनिज्म भी मैंने यहाँ पे दिया है पूरा तो ये एक तरह से इस तरह की स्टेट बनती है तो कोई भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं रहती तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वन हो जाएगा साइक्लिक इंटरमीडिएट के कारण फ्री कैटायन नहीं होता साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है और यहां पे हम कह सकते हैं फ्री कैटायन नहीं है कैटाइन फ्री नहीं है तो वो अपने आप को रीअरेंज नहीं कर सकता मोर स्टेबल फॉर्म के लिए तो मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन माइ सेल्फ प्रीत ओके वेलकम okay. प्रीत ठीक है फॉलोइंगशन अब आपके सामने यहाँ पे जो डिफरेंट रिएक्शन हुई है इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा देखो कार्बनल्स शो करते हैं न्यूक्लिफिलिक एडिशन रिएक्शन ठीक है तो इनका ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं एलिफेटिक एंटीहाइट ठीक है एलिफेटिक एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट नंबर पे होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड राइट दोनों एल्डिहाइड्स के बाद ketones शुरू होते हैं मगर उसमें भी एलिफेटिक किटोन राइट ये मैंने आपको हिंट दे दिया है आंसर सबका देख लेते हैं सबका आंसर आ रहा है फोर्थ ठीक है बिल्कुल तो एक चीज फोर्थ है ना हाँ जी तो यहां पर अब आपको चीज करनी क्या है जैसे आपके पास ये कार्बोनिल है ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गए तो इस पे आया नेगेटिव इस पे आया पॉजिटिव तो न्यूक्लियो का अटैक इस पे होगा तो जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही फाइल आसानी से अटैक कर पाएगा ना और अगर इसके पड़ोस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो पॉजिटिव को इंक्रीज करेगा पॉजिटिव को इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियो का अटैक आसानी से हो जाएगा ठीक है फोर्थ वुड बी द राइट चॉइस सबका सही है ये आंसर ठीक है नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा नेम रिएक्शन का है C6, H5, CHO, और CH3, CO, CH3, कि अगर हमने NUH के प्रेजेंस में गर्म किया प्रोडक्ट क्या बनेगा एक कंपाउंड के पास H प्रेजेंट है दूसरे के पास H नहीं है बेसिक कंडीशन में कंबाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट सिंपल सा होगा ना ये अपना अल्फा एच इसको दे सकता है तो यानी कि सी सिक्स एच फाइव सी एच इसने एच दिया ओ OH एच बना ओ OH एच और एच वॉटर निकल गया सिंपल सा डायरेक्ट मैं बना रही हूं देन सी एच सी ओ सी एच थ्री ये कंपाउंड बन गया ना हाँ इसको बेंजाइलिडीन एसिटोन कहते हैं सेकेंड वुड बी द राइट चॉइस ठीक है बी बी हाँ जी मारकंडे प्रधान्या नित्या डॉली दीपांशु स्प्रेड पीस ओके okay, प्रिया सबका सही है राइट द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड ये ध्यान रखना साइनाइड की प्रेजेंस में तो यहाँ पे आयंस एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स उस रिएक्शन को क्या देते हैं क्लेजन शिमिट थी एक के पास अल्फा एच हो एक के पास ना हो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी जल्दी से बताओ बेंजोइन कंडेंसेशन हो गया ना बेंजोइन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है इस केसीएन से आपको पहचान आ जाता है कि बेंजोइन है ठीक है और बनेगा क्या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये सीओ ग्रुप इसके साथ वाला कार्बन अल्फा एल्फा पे हाइड्रोक्सी एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ठीक है बिन्जोइन का फॉर्मेशन होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स यानी कि जिनके पास नो एल्फा एच है वो केसीएन की प्रेजेंस में बिन्जोइन का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है तो ये रिएक्शन बिन्जोइन कंडेंसेशन कहलाएगी क्लियर अगेन वेरी सिंपल यहां पर आपके पास करना क्या है एनहाइड्रेट एसिटिक एनहाइड्रेट लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री एन ए अब आपको रिएक्शन करानी है किसी यहां पे एल्डिहाइड की राइट तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी से सभी लर्नर्स इसका प्रोडक्ट बताएंगे क्या बनेगा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं परकिन रिएक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखना जब भी सिनामिक एसिड का सिंथेसिस अल्फा बीटा एसिड्स ये बनते हैं एरोमेटिक राइट right? तो यहाँ पे आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया एनहाइड्रेड लिया सी एच टी सीओ एन ने लिया और बनेगा क्या आपके पास अल्फा बीटा अनसेड एरोमेटिक एसिड, क्लियर है तो वही चीज यहाँ पे लिया आपने सी सिक्स एच फाइव रिंग आ जाती तो सिनामिक एसिड बन जाता फ्यन की रिंग आई उसके बाद ये रहा अल्फा बीटा अनसेटेड एरोमेटिक एसिड तो ये रिएक्शन होती है परकिन हमेशा ध्यान रखना ये रिएक्शन आपके पास कौन सी होगी थर्ड वुड राइट चॉइस ठीक है नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है जब भी आपको रिएक्टेंट साइड में एस्टर्स दिख जाए समझ जाना रिएक्शन स्टोव है और प्रोडक्ट साइड में आपको हाफ एस्टर मिलेगा बस इतनी सी पहचान कर लेना रिएक्टेंट साइड में एस्टर प्रोडक्ट में आपको हाफ एस्टर इतनी सी चीज को लोकेट कर लो अब यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें आपको हाफ एस्टर्स मिल रहे हैं यानी कि एक एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा एक आपको एस्टर मिलेगा स्टोव है ना स्टोव के अंदर डाइथाइल सक्सिनेट यानी कि डायस्टर लिया और उसकी हमने रिएक्शन कराई और एक आपको एस्टरिक ग्रुप और एक एसिड या एसिड का सॉल्ट मिलता है ठीक है हाफ एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड वाले के अंदर हाफ एस्टर बन रहे येरा रहा सी टू एच फाइव और ये रहा सी एच टू सीओ के क्लियर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ दीअरेंजमेंट डवॉल्व माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन देखो ग्रुप ऑफ रिएक्शन होती है जो हॉफमेट कर्टियर शर्मेट ये वाली अपन पढ़ते हैं इनमें सब में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो नाइट्रोजन है उसपे रीअरेंजमेंट होता है राइट अब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ये डज नॉट इन्वॉल्व द माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट यहाँ पे नाइट्रोजन हाँ जी बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन ठीक है सिर्फ एक इसमें नहीं होता बाकी ये सारे के सारे माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होता है तो ए वुड बी द राइट आंसर बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन में होता क्या है वी आर कन्वर्टिंग किटोन्स इनटू एस्टर्स राइट किटोन्स को एस्टर्स में बदलते हैं एक ऑक्सीजन आके एड हो जाता है किटोन्स में

साइक्लोहेक्सनॉन की रिएक्शन एन थ्री एच और कंसनट्रेटेड एच सी एल से ली तो क्या बनेगा इसका आंसर मुझे सभी लर्नर्स दो इसके लिए मैं वेट करूंगी मैं नहीं बता रही पहले आप लोग बताइए रिएक्शन का नाम जरूर बताओगे मुझे सभी लर्नर्स मुझे रिएक्शन का नाम जरूर बताएंगे जिसने भी आंसर दे दिया है कैप्रोलैक्टम बना मगर आपको ध्यान है अपन एक बैकमैन से बनाते हैं पी रिएक्शन का नाम तो कोई बता दो सबने बी तो बता दिया वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड बस यही सुनना चाह रही थी मैं कि रिएक्शन का नाम कोई स्टूडेंट मुझे दे दे ठीक है हाँ जी प्रीति सही है प्रीति सही है ठीक है शिमिट रिएक्शन है अब यहाँ पर देखो जनरली अपन शिमिट में क्या पढ़ते हैं नहीं यही चीज तो मैं बताना चाह रही थी अगर एंथ्री साथ में दिया हुआ है तो ये रिएक्शन शिमिट है कैपरोलैक्टम से नाइलोन सिक्स का फॉर्मेशन होता है वो सारी बात सही है बट यहाँ मैं आपको रिएक्शन बताना चाह रही थी ये बैक में नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है एंथ्री एच एंथ्री एच की प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में एसिड्स को इम्यून में बदलते हुए तो आपने नॉर्मली हमेशा देखा है यहां मैं एक स्पेशल केस इसका डिस्कस कर रही हूँ जैसे कि अगर आप नीचे ये वाला हाथ दिख रहा है ना आपको ये वाला हिस्सा का अगर ये एन ए एन थ्री और एस टू एसओ फोर से रिएक्ट करता है तो आप ये देख सकते हो ये वाला क्या बिल्कुल सीओ एन एच यहाँ पे रिंग के अंदर आ गया ठीक है तो इसके अंदर देखो क्षेम रियक्शन आर नोन एज अ ग्रुप ऑफ रियक्शन जिसके अंदर हाइड्रोसोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स किटो एंडीहाइड्स

और अगर सबस्ट्रेट कीटोन ले लिया है तो the corresponding amide is formed just like type rearrangement. बिल्कुल type rearrangement होता है के केस में तो यहाँ पे ये तो ठीक है सीधा पूछा था, बट इन केस अगर रिएक्शन का नाम वो ले लेते ले अभी आज के सेशन में ही आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सीधा बैकमेंट कर देते बट अगर आप इस रिएजेंट को देखिए एन साथ में लिया हुआ है तो वो शिमिट का एग्जाम्पल होगा क्लियर है आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप सबको ध्यान होना चाहिए आई जितने लर्नर्स को ध्यान था या नहीं है सबको ठीक है अगर आप लोगों ने ये नई चीज सीखी है तो आप इतना करना सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना ठीक है चलिए अब आ जाओ एमपीपीएससी के कुछ हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेते हैं ये हमने आरपीएससी के क्वेश्चन को कवर किया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स एस एन वन की रिएक्शन आपको करानी है अब इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एस एन वन के लिए कौन सा होगा एस एन वन के लिए मैंने बताया वह बताया हुआ है तो अच्छी बात है और आपको याद भी है कि मैंने बताया ये उससे भी अच्छी बात है प्रीति दीपांशु का आंसर ए आया है मोनी का ए प्रीति का ए जिया सोनीपाल सबका ए आया है ठीक है देखो सीआई का बॉन्ड सबसे इजीली टूटेगा और इजीली टूटने के बाद हां जी एस वन है ना कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो ऑक्सीजन है ये इजिली इलेक्ट्रॉन यहां पर दे सकता है ना जैसे ही यहाँ पॉजिटिव सेंटर बनेगा तो इजिली ब्रेकडाउन तो यहीं पर होगा तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्लियर है चलो नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एच एन ओ टू की रिएक्शन करा रहे हो एमीन से सोच लो पहुंची रिएक्शन है जल्दी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को डाइजोटाइजेशन हो गया ये देखो सी एच थ्री सी इधर भी क्या है सी एच थ्री इधर आपके पास ओ एच देन कम सी देन सी एच थ्री देन कम सी एच थ्री टू ग्रुप है अगर आपने एच एन ओ टू से रिएक्शन कराई B बी ए किसका आया है ए e नहीं आएगा हां जी बी बी इसका सही होगा तो इस जगह पे क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पे N2 टू प्लस हो जाएगा ना अब ये N2 निकलेगा इस सेंटर पे क्या जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे ये मिथाइल इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव को खत्म करने के लिए H प्लस बाहर आ जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी सी एच थ्री यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री पहले से था एक सी एच थ्री और ट्रांसफर हो गया किसी को कोई डाउट है हां जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी चलिए वेरी गुड चीफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन अब आपके पास इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बताना है इधर आर है और इस जगह एंट्री है अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो ये एंट्री है हाँ जी डॉली बी सही था अब इसका आंसर बताओ बी आया है इनमें इसका भी यह पिछले वाले का बताया देखो N3 है तो डेफिनेटली N2 निकल के नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी ऐसे ये सिक्स की रिंग है इससे R ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया हां जी बिल्कुल तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर गए ये यह इलेक्ट्रॉन यहां पर गया तो रिंग का साइज बढ़ गया और यहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड जिस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है उस उसपे आर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो देख लो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और जिस कार्बन से डबल बॉन्ड आ रहा है उस पर आर भी जुड़ा हुआ है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बी होगा बी ए नहीं होगा ए नहीं होगा स्टूडेंट्स बी होगा रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा हां जी सेवन में बड हो जाएगी ठीक है किसी को कोई भी डाउट यहां पे चलिए नेक्स्ट है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच डी रट चुका है मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको एल्फा हेलो किटोन ले हम इन द प्रेजेंस ऑफ अगर हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया है एसिड्स बनते हैं एल्कोक्साइड आयन लेते हैं एस्टर्स बनते हैं रिंग के अंदर रिंग की शॉर्टनिंग हो जाती है और ये रिएक्शन के सारे फीचर्स किसके हैं फेवरिस्की की एल्फा हेलो किटोन लिया एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में एस्टर का फॉर्मेशन सिक्स मेंबर ड्रिंग कन्वर्टिंग इन फाइव मेंबर ड्रिंग हो गया रिंग की शॉर्टनिंग तो फेवरिस की रिएक्शन इसका सही जवाब पूरा मेथड मैकेनिज्म मैंने नीचे दिया हुआ है किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो वो यहां पे आसानी से इसको देख सकते हैं ठीक है चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई आर नॉट एन एम आर एक्टिव तो यानी कि आई की वैल्यू जिसमें जीरो आ जाए वो एन एम आर इनएक्टिव हो जाएंगे जिनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों ही इवन आ जाए वो क्या हो जाएंगे सारे के सारे इनएक्टिव ठीक है तो आपके पास इनएक्टिव कंडीशन बोली है तो आप बता दो कौन सा ऐसा यहाँ पे पूरा पेयर है तीनों तीनों न्यूक्लियर ऐसे जो कि इनएक्टिव है सिंपल सा है बी वाला हो गया एट सिक्सटीन सिक्स यहाँ पे हो गया और प्लस यहाँ पे सिक्सटीन ठीक है छ हो गया कोई डाउट किसी को इन सब के अंदर ये दोनों इवन आ गए तो आई की वैल्यू जीरो हो गई एन इनएक्टिव हो गया ठीक है चलिए लेमडा मैक्स आज ग्रुप में चल रहा था ये मैं यही देख रही थी आज ग्रुप में आप लोग कर रहे थे ना इस वाले को तो लेमडा मैक्स हाँ जी निकालिए देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना होमो एन्युलर को प्रेफरेंस मिलती है हिट्रो एन्युलर से ठीक है तो सबसे पहले ज, जहां तक इंजुकेशन जाता है वहां तक एक्सटेंशन कर लीजिए तो ये वाला सिस्टम होमो का था तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी हिट्रो से आई थिंक जितने लर्नर्स हैं आप लोगों को ध्यान होगा होमो इस कंडीशन को कहते हैं डाईन की और हिट्रो जब कहते हैं कि दो डिफरेंट रिंग्स के अंदर जैसे डबल सिंगल डबल ये कंडीशन हो तो दिस इज होमो एंड दिस इज हिट्रो ठीक है अगर ये कंडीशन हो तो आप इसको प्रेफरेंस दोगे बिल्कुल अब जहां तक कंजुगेशन जा रहा है वहां तक आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए ठीक है तो बेस वैल्यू क्या लोगे 253 क्योंकि आपका होमो एन्युलर है ये आपकी बेस वैल्यू पे एक्सटेंशन हुआ दो बार कंजुगेशन का तो 30 प्लस थर्टी आपने किसका ले लिया एक्स्ट्रा कंजुगेशन का यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है इस ए बी सी ए रिंग का ये वाला एक्सो राइट B वाले रिंग का ये वाला एक्सो C रिंग का ये वाला एक्सो तो यानी कि 15 में किसके जोड़ दूंगी तीन एक्सो के एक्सो मेरे पास कितने हैं तीन एक्स्ट्रा कंजुगेशन कितना था दो रिंग रेजिड्यू देखो वन टू थ्री फोर फाइव पांच आपके पास रिंग रेजिड्यू हो गए तो 15 किस हाँ जी पांच हो गए ना फाइव से मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी किसके हो गए रिंग रेजिड्यू के कितने थे पांच सब कुछ मिला लो इट वुड कम थ्री फिफ्टी थ्री सी वुड बी द राइट आंसर सभी लर्नर्स का सी ही चल रहा है वेरी गुड चलिए ये इन अमाइन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका आंसर मुझे कौन देगा देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बता देती हूं हां ये इसका सबका सही है देखो जैसे सपोज अपने पास ये कोई कार्बनल कंपाउंड हो ठीक है इसकी रिएक्शन मैंने प्राइमरी अमीन से की यानी की एनएच टू पे एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप यू समझ लो डायरेक्ट वाटर निकाल लो जाए और अदरवाइज होता क्या है कि इसका लोन पेयर का अटैक किस पे कराते हैं कार्बन पे तो आपके पास कंडीशन क्या हो जाती है ओ पे नेगेटिव यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी एनएच टू आर और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव राइट अब यहां से एच प्लस यहाँ पे गया पहली कंडीशन देन हो गया सी पे ओ एच एन एच आर राइट अब ये वाला ओ एच ये वाला एच निकल जाता है तो सी डबल बॉन्ड एन आर ये कंडीशन आती है जिसको अपन कहते हैं ना इमाइन शेफ बेस बी आंसर है, e है हाँ जी सही है अगर आपके पास सेकेंडरी कंडीशन हो तो यानी कि कार्बोनिल की रिएक्शन मैंने किससे कराई एन एच आर आर और ये पे लोन पेयर है अगेन इसका अटैक तो मैं ऐसे ही कराऊंगी ना कार्बन पे तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी ये रहा कार्बन अल्टीमेटली ये ओ किस में बदलेगा ओ OH एच में यहाँ पे क्या आ आर टू राइट अब यहाँ पे इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं वाटर निकालने के लिए इट मीन्स इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये दोनों निकलेंगे और इस जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये एनआर टू का फॉर्मेशन करेगा क्लियर है हाँ जी बिल्कुल तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा बी वाला क्लियर तो ये एक तरह से ये आर आर ग्रुप हो गए और यहां ये सी पे डबल बॉन्ड पीछे जुड़ गया क्लियर चलिए विच वन विल नॉट शो एनी सिग्नल इन डाउनफील्ड इन प्रोटोन एनएमआर में डाउनफील्ड में सिग्नल नहीं आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एक अकेला ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है राइट तो इसीलिए ये इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा एरोमेटिक है बाकी सब तो वो डाउनफील्ड में चले जाएंगे राइट तो ये एरोमेटिक नहीं है तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर हां जी एनवे वर्षा जिया सोनीपाल प्रीति सबका सही है मनबित एक बार चेक करो मार्कंडे का सही है मोनी मारुति सुमाल्या सही है ठीक है ये कंडीशन होगी ना पिप्रेडीन की एरोमेटिक नहीं है ये राइट दिस इज द रीज़न चलिए नेक्स्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द स्क्रैप सिंथेसिस विद नाइट्रो एनेलीन अब यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्रैप सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं यहाँ पे जैसे ग्लिसरॉल लिया और ये एनिलीन का पोर्शन लिया तो क्विनोलिन बनता है अब इस आर ग्रुप की जगह अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया नाइट्रो एनिलीन लिया तो डेफिनेटली क्विनोलिन में भी तो इस जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा ना तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा नाइट्रो क्विनोलिन किसी भी लर्नर को कोई डाउट यहाँ पर हाँ जी सेकंड वुड बी द राइट आंसर चलिए अगेन एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कायरल हाइड्रोकार्बन मत भूलना ये वर्ड अलग से दिया हुआ है कायरल हाइड्रोकार्बन विच ऑन ऑक्सीडेशन अफोर्स द टर्थेलिक एसिड अब आपको आई थिंक ये चीज सबको पता होगी जैसे अपने पास ये रिंग है इसके साथ वाला कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ये किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरह से ये एच सी ओ ओओ एच के प्रेजेंस में होता है हाँ जी राइट आंसर बताओ तो आपको कायरल सेंटर भी देखना है कायरल सेंटर भी देखना है तो आपके पास ये कंडीशन होगी ना देखो पैरा पे मिथाइल यानी कि इस तरफ मिथाइल राइट अब इधर वाला कार्बन देखो एल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वो के एच में बना देगा एक एच जुड़ा है एक सी एच से जुड़ा है एक एथल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक एच जुड़ा हुआ है एक मिथाइल जुड़ा हुआ है एक एथिल जुड़ा हुआ है तो एक कायरल सेंटर बन गया ना तो इसलिए फर्स्ट वुड बी द राइट चॉइस ठीक है नेक्स्ट देखो गैटरमन रिएक्शन का सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास एच सी एन जेड एन सी एल टू आपने लिया तो एच सी एन एच सी एल और जेड एन सी एल टू से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्माइलेन रिएक्शन होती है सीएचओ ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है इस रिएक्शन को कहते हैं गटरमन रिएक्शन तो यहाँ पे भी आपका यही रिएजेंट लिया हुआ है इट मीन सी एच ओ ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा सी एच ओ ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वन ये रहा सीएचओ फर्स्ट आया ना आंसर सभी का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब आया देखो एसिड की प्रेजेंस में अब आपका यहां पर होगा ऑक्सिम बैकमेन रीअरेंजमेंट होता है ना ऑक्सिम्स बनते हैं और फिर वो रीअरेंज होते हैं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैकमेन रीअरेंजमेंट तो पहले ऑक्सिम्स का फॉर्मेशन होता है ऑक्सिम्स में आपको पता है ओ OH एच ग्रुप का एंटी ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है राइट तो यहाँ पे बी वुड बी द राइट आंसर ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कार्बन एनिमर सिग्नल्स बताने हैं वन फेनाइल प्रोपेन के आपके पास इट मींस इस तरह से ये रिंग दी हुई है राइट और इसके बाद तीन कार्बन दिए हुए वन फैनल प्रोपेन में तो कितने यहाँ पर आपके पास सिग्नल्स आएंगे जल्दी से बताओ देखो एक कार्बन ये हो गया राइट सेकंड क्योंकि ये रिंग से आप डिस्टेंस देखते रहोगे ना सेकंड टाइप कार्बन का ये हो गया सेकंड थर्ड टाइप कार्बन का क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा तो ये वन टू थ्री तीन डिफरेंट हो गए उसके बाद ये फोर्थ अपने आप में बिल्कुल अलग है अगर आप देखोगे ये वाला फोर्थ अपने आप में बिल्कुल अलग है देन कम्स ये वाले दोनों एक जैसे हैं राइट ये दोनों एक जैसे हैं उसके बाद की अगर मैं बात करूं ये दोनों भी एक जैसे हैं क्लियर और ये आपका अलग है राइट तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो टोटल तो कितने सिग्नल्स आए हैं सेवन इट मींस डी वुड बी द राइट आंसर सभी लर्नर्स ने देख लिया सेवन हां जी सेवन सिग्नल देगा ये टोटल डी हाँ जी, जी. चलिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल और सेशन को आप लोगों को लाइक करना चाहिए अगर एक टीचर आपके लिए इतने एफर्ट्स करके ला सकता है हाँ जी आशीष इतना लेट रिकॉर्डेड देख लीजिएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे तो डोंट मिस द सेशन, आप इसको रिकॉर्डेड जरूर देख लेना आशीष इंटरेस्टिंग सेशन था चलिए थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉल इट नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो फाइव टू नाइन जीरो फोर ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन लर्नर्स आप लोग बहुत अच्छी बात ये थी कि कंसिस्टेंटली मेरी ख्याल से कोई भी स्टूडेंट आज के सेशन में ड्रॉप करके नहीं गया है जिसने एक बार सेशन ज्वाइन किया है उसने पूरा सेशन देखा है ठीक है सो दिस इज रियली ग्रेट फॉर मी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे थैंक यू सो मच हाँ जी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में सेशन के बाद जरूर दीजिएगा